हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे चल रहे हैं पर्युषण पर्व 10 दिन के, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ और वीडियो खैर मैं हमेशा डाल ही रही हूँ, लेकिन सिर्फ कल का दिन था जो थोड़ा सा स्कीप हो गया था। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपने पर्युषण पर्व जो है वो कैसे सेलिब्रेट करते हो, मंदिर में किस तरीके से पूजा वगैरह होती है और शाम के जो प्रोग्राम है वो कैसे क्या होते हैं, तो सब कुछ आप हमारे साथ में डिटेल में शेयर करो। तो आज के वीडियो में मैं ये सब शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, तो 12:30 बजे का टाइम हो गया है और अभी बस मंदिर से जस्ट निकले हैं और उधर जैन साहब कुछ फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसके लिए रुके और मैं जाऊँगी घर पर। बच्चे पहले ही आ गए थे, बच्चे भी आ गए थे, नीशु आ गया था क्योंकि बच्चों की ट्यूशन जो है वो कल से स्टार्ट हो गई है। और कल कोई मुझे कमेंट करा था कि आपका जो फेस है वो डल हो गया है, तो वो डल तो होगा, एक तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है और दूसरी थोड़ा फास्ट करते हैं तो उसका भी इफेक्ट रहता है। और अभी मैंने सब्ज़ी में तो कुछ नहीं लिए, खाली ये कैप्सिकम लिए और फ्रूट्स में भी कुछ ज़्यादा मिला नहीं है। बनाना देख रहे हैं, अगर बनाना मिल जाए तो अच्छा है। थकान तो हो जाती है पर अच्छा लगता है। बस अभी घर जाऊंगी, जाते में ही ड्रेस चेंज करूंगी, खाना बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। और आप लोग मेरे वीडियो को अगर थोड़ा अभी इंजॉय कर रहे हो ना तो प्लीज़ लाइक थोड़े से कम कर रहे हो। कॉमेंट तो आते हैं, अच्छे अच्छे कॉमेंट आते हैं, बड़े बड़े मज़ा आ जाता है, लेकिन हाँ लाइक थोड़े सी उसमें कमी लग रही है मुझे। ठीक है, तो थोड़े से लाइक्स बढ़ाइए और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, इतनी तेज़ वाली। तो फाइनली मंदिर से घर पर पहुंच गई और आते में ही सबसे पहले मुझे किचन में ही घुसना होता है क्योंकि इस टाइम पर दोनों बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगती है क्योंकि सुबह से ना कुछ भी खाया नहीं होता है, सुबह खाली चाय दूध पी के और फिर मंदिर चले जाते हैं। और अभी 12:30 बज रही है तो इस टाइम पर तेज़ भूख लगती है, तो बस आते में ही इधर मैंने दोनों तरफ कुकर में एक में दाल चढ़ाई है और एक में कुछ तो चढ़ाया है, मैंने भूल गई अभी, और इधर परी जो है वो आटा लगा रही है। तो इस तरह से मिलकर ही हम लोग काम करते हैं क्योंकि अगर एक जना काम करने बैठेगा ना तो फिर काम जो है ना पूरा हो पाएगा और काम मतलब लेट भी होगा, पूरा भी नहीं होगा और काम जो है काफ़ी लेट हो जाएंगे, तो मिलकर ही काम करते हैं। तो उधर मैंने किचन के अंदर थोड़ा बहुत काम निपटा के और फिर मैं आई थी बाहर क्योंकि घर में डस्टिंग वगैरह सब कुछ पड़ी हुई रहती है, आने के बाद ही सब करना होता है। और ये वाली जो साड़ी थी वो मैंने कल पहनी थी और ये पहन के ही मैंने खाना वगैरह बनाया था, तो इस साड़ी को मुझे वॉश करना था, तो बहुत ज़्यादा गंदी तो थी नहीं, खाली मैंने मंदिर के टाइम पर ही पहनी थी और सिर्फ खाना बनाया था और उसके बाद तो मैंने खोल भी दी थी, लेकिन अभी बस थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो डिटर्जेंट पाउडर डाल दिया है और उसको सिर्फ आधे घंटे के लिए रहने दूँगी और उसके बाद मैं बस वॉश कर दूँगी। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ 3:30-4 बजे का टाइम हो गया था, बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, बस फटाफट से खाना वाना बनाया, खाना खाया और उसके बाद में फिर है ना कुछ देर ये लोग सो गए थे। और अभी इस टाइम पर घर के मेरे सारे काम हो गए थे, खाली किचन में बर्तन पड़े हैं। और अभी परी जो है वो जा रही है मंदिर क्योंकि अगेन उसकी अभी प्रैक्टिस है, तो अभी जैन साहब शॉप पे जाएंगे तो लेकर जाएंगे, तो बीच में उसको छोड़ भी देंगे और फिर वो वहाँ से शॉप पे चले जाएंगे।
और इधर कपड़े इतने फैले पड़े हुए थे ना, क्योंकि सुबह मंदिर जाते हैं तब अलग कपड़े पहनते हैं, शाम को फिर अलग कपड़े पहनते हैं, और फिर दिन को जब घर पे रहते हैं तो उस टाइम पे अलग ड्रेसेस होती है। तो इस तरीके से इतने सारे कपड़े फैले थे, तो बस इन सबको मैंने फोल्ड किए हैं। और ये जो वीडियो क्लिप है वो है नेक्स्ट डे का। तो कल मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि ये ना टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है। जब जब मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है ना, तो मैं आपके लिए थोड़ा बहुत शूट करके रख लेती हूँ, ताकि आपके साथ में भी सभी चीज़ें मैं शेयर कर पाऊँ कि किस तरीके से हम लोग इस पर्व को मनाते हैं, क्या क्या करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें शेयर की आगे वीडियो में देखना चाहिए। तो आज ही के दिन मेरा जो उपवास था, निर्जला उपवास, मैंने कल कम्युनिटी पर पोस्ट भी डाला था कि मैं वीडियो इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा उपवास था। तो मंदिर में ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, और फिर आने के बाद में पानी वगैरह कुछ भी पीते नहीं है ना, तो थोड़ा सा हेडेक भी होता है, और जो वॉइस ओवर होती है ना वो अच्छे से हो नहीं पाती है, तो इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं डाला था। और ये देखो, मंदिर में सुबह सुबह सबसे पहले भगवान का जिन अभिषेक होता है, और उसके अंदर अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, और फिर उसके बाद में जो जेंट्स लोग होते हैं वो अभिषेक करते हैं, लेडीज़ अभिषेक नहीं करती, और हम सब फिर आराम से बैठ कर पूजा वगैरह करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? कल वीडियो मैंने नहीं डाला था क्योंकि शाम की 7 बजे का टाइम हो रहा है, और अभी हम अगेन जाएंगे मंदिर। सुबह की पूजा वूजा सब कुछ आराम से, सब कुछ अच्छे से हो गया था, और आज है मेरा निर्जला उपवास। तो लेकिन आज है ना मौसम काफ़ी अच्छा है, मौसम ठंडा है, बारिश वगैरह हो रही है ना, तो जब गर्मी होती है ना तब अगर इस तरीके का उपवास होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन आज भगवान ने टच पॉइंट अच्छे से साथ दिया है, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ठंडा है, तो कुछ भी तकलीफ़ मतलब अब तक तो हो ही नहीं है, और बस अच्छे से आगे का भी जो मेरा उपवास है वो निकल जाए। और ये परी मैडम यहाँ पर आराम फरमा रही है क्योंकि अभी इसको मुझे करना है तैयार। आज इसकी अगेन एक डांस परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा डांस है, और ये मैंने इसके लिए निकाली है डांडिया की ये गुजराती डांस है। ठीक है, गुजराती मतलब डांस है इसका, जिसमें इनको डांडिया वाला जो गेटअप होता है ना वो लेना है। तो ये इसकी ड्रेस जो है वो मैंने निकाली है, और अभी मैं इसको फटाफट से करूँगी तैयार। और आप सब जब मैं परी को तैयार करती हूँ ना तो बहुत ही अच्छे अच्छे आप कॉमेंट्स करते हैं, परी के लिए भी करते हैं और मेरे लिए भी करते हैं कि अच्छा सा मेकअप वगैरह जो है वो मैंने किया है।
तो चलिए अभी फटाफट से पहले मैं इसको तैयार करती हूँ और फिर आपके साथ में शेयर करूँगी कि कैसी लग रही थी। और हाँ, आगे मेरे साथ में मंदिर ज़रूर चलना, क्योंकि वहाँ पर इसका तो डांस होगा ही, ग्रुप डांस है, और साथ में और भी बहुत ही सुंदर सुंदर से बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे डांस भी करेंगे, और साथ में इनका एक नाटक भी है जो भी काफ़ी अच्छा होगा। वो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, क्योंकि इनकी जब प्रैक्टिस हुई थी ना तब मैं एक भी दिन गई नहीं थी, तो मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है। तो चलो मेरे साथ में मंदिर चलना, मैं आपको बताऊँगी। अच्छी खासी आवाज़ हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर गणपति का नेपास वाली बिल्डिंग में गणपति का सेलिब्रेशन हो रहा है और अच्छा खासा प्रोग्राम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी प्रोग्राम चल रहे हो और मुझे मतलब हर दिन वहाँ पर भी जाना होता है। मॉर्निंग में मैं आपके साथ में शेयर कर ही रही हूँ कि मंदिर में पूजा करने जाते हैं और शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं तो हम वहाँ जाते हैं। ठीक है, आज डांडिया में तुम्हें पता है पाप कितने होते हैं? नहीं दीदी। क्या तुम पाठशाला नहीं जाते? नहीं दीदी। अरे पाठशाला रोज जाना चाहिए, और पाठशाला जाओगे तो मालूम हो जाएगा कि पाप किसे कहते हैं और हमें पाप नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं रोज पाठशाला जाऊंगा। पाठशाला जाना पढ़ने
से ज्योति से साधना मोती से आत्म का मेल मिटाओ, गुरु चरणों में नम जाओ, जिन वर की महिमा गाओ, लाख चौरासी को खमा के मुक्तिपुरी में जाओ, जल चंदन फल फूल चढ़ाओ मंदिर माँ, जगमग जगमग जो जलाओ जिन वरना, जलाओ जिन वरना, जिन वरनु दरबार सजाओ आंगन मा, जिन वाणी जयनाद गूंजे शासन मा, संयमनु मंग जगाओ अंतर मा, धर्म ध्वजा लहरा भक्तों शासन मा, पूजा बढ़ाओ मंदिर माँ, आओ रे सखियों भक्ति रचाओ जिन वरना, आओ जिन वरना, आओ जिन वरना, आओ जिन वरना, ये प्राण है हमारा ना जन्म में दोबारा।